उत्तराखंड देश का खूबसूरत राज्य प्रसिद्ध है अपने रिच कल्चर, गानों और नेचर के लिए। राज्य का करीब करीब 50% हिस्सा जंगलों से कवर्ड है, यानी उत्तराखंड के आधे एरिया में तो जंगल ही है। और हर साल की तरह इस साल भी उत्तराखंड के जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI के अनुसार उत्तराखंड में 21 अप्रैल से लेकर अब तक 200 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जो कि उड़ीसा के बाद देश में दूसरी सबसे ज्यादा घटनाएं हैं जंगलों में आग लगने की। राज्य में आग इतनी बेकाबू थी कि नैनीताल के आसपास जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करना पड़ा था। डेटा के अनुसार पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक उत्तराखंड में 600 से ज्यादा बार जंगलों में आग लगने की घटना को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें 736 एकड़ जंगल को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में सवाल तो बनता है कि हर साल हमारे जंगलों में जो इतनी आग लगती है उसके पीछे क्या कारण है और इससे बचने के क्या उपाय है, आइए जानते हैं। गर्मियों के दिन आते ही किसी भी जंगल में आग लगना कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन देश के कुछ राज्यों जिसमें उत्तराखंड भी आता है वहाँ ये बेकाबू हो जाती है। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों में ज्यादातर चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि अंग्रेजों ने अपने जमाने में लगाए थे फायदे के लिए। जब पेड़ सूखते हैं तो इनकी पत्तियां झड़ती हैं, जिसे स्थानीय लोग पिरूल कहते हैं। इस पत्ते में एक तरह का बायोफ्यूल होता है जिसे लीसा कहा जाता है। यही लीसा पेड़ों के तनों से भी निकलता है, तो तेज हवा से पत्तों में आग लगती है और फैलती है, और धीरे धीरे ये आग पेड़ों को भी अपने चपेट में ले लेती है। अब बारिश है नहीं और गर्मियों के दिनों में सारी गिरी हुई पत्तियां सूखी, तो आग एकदम विकराल रूप ले लेती है और देखते ही देखते पूरा जंगल धधक उठता है। अब स्थानीय लोग आसपास की आग बुझाने में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन दूर और दुर्गम इलाकों में ये स्थिति हाथ से निकल जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि नैनीताल के जंगलों में लगी आग मैनमेड है, यानी इंसानों ने इस आग को लगाया है। गढ़वाल के फॉरेस्ट ऑफिसर अनिरुद्ध स्वप्निल का कहना है कि ये आग शरारती तत्वों के कारण हो रही है। हम लोगों के बीच लगातार जागरूकता फैला रहे हैं कि जंगलों में जाकर कुछ भी ना जलाएं। इसके अलावा हमने लोगों से अपील की है, अगर उन्हें कहीं आग दिखती है या अगर कोई उन्हें आग लगाता भी दिखता है तो उसकी जल्द से जल्द खबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही करें। आपका क्या मानना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।